वाले हैं और अभी बस में बैठे हुए हैं और ये हमारे गांव से गई हुई है। Yeah.
पहुंच गए। जयकारा महाकालेश्वर महादेव की। हेलो गाइस, अब हम जो है महाकालेश्वर महादेव मंदिर के पहुंच गए हैं और अभी जस्ट पहुंचे ही हैं। ये बस लगी हमारी अभी यहाँ पे आके, ये बस लगी हुई, सारे संगत उतर रही है। ये इस तरह से, ये इस तरह से, गाइस अभी ये देखो ये संगत आ रही है हमारी गांव की, सारे लोग, और अभी जा रहे हैं नीचे। यहाँ पे कुंड है एक महाकालेश्वर जी का, वहाँ पे हाथ मुंह धो के अगर किसी ने स्नान करना तो वो स्नान कर सकता है। तो अभी चलते हैं नीचे। एक मिनट जी, गाइस यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे देखिए, और ये कुंड है नीचे नहाने के लिए। और ये बहुत बड़ा वट वृक्ष है यहाँ पे एक। और ये देखिए बहुत सारे लोग यहाँ स्नान करने के लिए आए हुए हैं महाकालेश्वर जी को। और ये है राधा, प्राचीन राधा कृष्ण जी का मंदिर यहाँ पे कुछ इस तरह का ये है। वो देखिए नीचे लोग जो है स्नान कर रहे हैं। लोग जब भी महाकालेश्वर के मंदिर में आते हैं तो पहले यहाँ पे आके स्नान करते हैं और फिर उसके बाद मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। एक स्कूल की भी धार्मिक नज़रिए से बहुत ही महत्व रखता है या तालाब जो है। तो यहाँ पे जब भी लोग आते हैं तो पहले यहाँ पे स्नान करते हैं और फिर उसके बाद महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं बहुत, और कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे देखिए। और सब देखो कई लोग आए नहाने की तैयारी कर रहे हैं और कई नहा के चले गए यहाँ से मंदिर की, मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। तो ये देखिए लोग अभी भी नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो देखिए और यहाँ जो है बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, पंजाब से भी आते हैं, हरियाणा से आते हैं, हिमाचल के आते हैं। तो बहुत सारे लोग इस स्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और यह स्थान ये बहुत ही प्राचीन है, पुराना तीर्थ स्थल है यहाँ पे। और यहाँ पे मेला भी लगता है महाकालेश्वर जी का। मैं ना तौलिए तुलिए अंदर आए, तौल वगैरह अंदर आए। तो देखिए गाइस ये देखिए यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, ये दुकानें सजी हुई हैं यहाँ पे, यहाँ कुंड के पास ही है ये सारी। तो यहाँ पे बहुत ही शानदार देखिए कितना शानदार दृश्य है सामने। और लोग अभी कई नहाने की तैयारी कर रहे हैं और कई लोग नहा के महाकालेश्वर जी के दर्शन के लिए चले गए हैं, वो जा रहे हैं और लोग आ भी रहे हैं। और ये स्थान जो है मदौन के से लगभग 8-9 किलोमीटर है और यह ब्यास नदी के किनारे पर स्थित है। तो दोस्तों ये देखिए लोग नहाने की तैयारी कर रहे हैं कई, और कई नहा के चले गए यहाँ से।
तो दोस्तों गाइस ये खूब एंजॉय कर रहे हैं, महाकालेश्वर जी में कुंड में स्नान करते हुए लोग। पानी जो काफ़ी ठंडा है इस कुंड का, तो लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए कोई तैर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं महाकालेश्वर जी के मंदिर को। हमने तो यहाँ पे नहाए तो नहीं पर बट यहाँ पे हाथ मुँह धोए। अब हम जा रहे हैं महाकालेश्वर के मंदिर की तरफ। तो चलते हैं, आइए आओ यार बोले। चलो तो गाइस अभी मैं हम पहुंच गए, वहाँ पहुंच गए महाकालेश्वर। महादेव बाबा भोले जी के दर्शन करेंगे अभी अंदर जाके, और ये भाभी जी आने हैं हमारे। तो अभी चलते हैं अंदर जल्दी से और देखते हैं अंदर। तो गाइस ये है, यहाँ से शुरू हुआ महाकालेश्वर महादेव जी का प्रांगण, और ये वट वृक्ष है, और ये देखिए और पीपल का पेड़, और देखो कितना खूबसूरत नजारा यहाँ पे दिखाता हूँ आगे से। यहाँ पार्किंग के लिए भी जगह है, ये देखिए। गाइस ये आधे लोग जो हैं मत माथा टेक के आ गए उधर महाकालेश्वर, ये मेरे गांव के आधे हैं। और चाचा बाहर देखी ना, मैं भी नहाना चाचे भी नहाना कट्ठे ने चाचा आई रे हां खुद ही आ बाहर देखी कि ना तू। तो गाइस ये है महाकालेश्वर जी, चलो आंटी ले ले आंटी के प्रसाद। आंटी क्या क्या रेट है प्रसाद? 100 रुपया। 100 रुपये तो मेरे पैर नहीं होना जो लगा दे। कोई नहीं। यहाँ पे ये शुरू हो गया, ये गेट है महाकालेश्वर जी का। ये है महाकालेश्वर जी का मंदिर। जय महाकालेश्वर महादेव जी की जय हो। महादेव ये है महाकालेश्वर जी का मंदिर, बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर है। नीचे ब्यास नदी, अभी मैं चलता हूँ मंदिर के अंदर, पहले मत्था टेक लेता हूँ उसके बाद मिलते हैं आपसे। ये महाकालेश्वर जी का मंदिर है नदौण जी नदौण के पास। अभी चलते हैं मंदिर के अंदर, बाद में मिलते हैं।
गाइस इस वक्त हैं हम महाकालेश्वर मंदिर और मेरे पीछे जो है ये है ब्यास नदी और अब चलते हैं बस के पास क्योंकि सभी चल गए बस की तरफ। तो अभी यहाँ की सीनरी बता देता हूँ आपको और ये पीछे मेरे महाकालेश्वर जी का मंदिर है, बहुत ही शानदार है। अगर आपको टाइम लगे तो जरूर आए यहाँ पे महादेव जी के दर्शन करने के लिए।